नमस्ते सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया हो, आज का हमारा वीडियो होने वाला है काफी स्पेशल, क्योंकि आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं वियतनामी स्नैक्स। तो जो लोग नए लोग हैं, जिन लोग को नहीं पता कि वियतनामी स्नैक्स का रिव्यू क्यों कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं। हाँ, हम लोग रहते हैं वियतनाम में। हम लोग को यहाँ पे हो गया 1.5 ईयर। मैं ऐसे जुम्बा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम करता हूँ, और ये मेरी वाइफ जो मेरे साथ रहती है। सो आज हम लोग करने वाले वियतनामी स्नैक्स का रिव्यू। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब बटन दबाए ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, पुराने हैं वो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। सो हम लोग ने चूज किया है जो काफी इजी है, जो हम लोग को लगे कि हम लोग खा सकते हैं। फर्स्ट लेवल में है जो हम लोग इजी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिस्क नहीं ले रहे, बहुत सारे वियर्ड फ्लेवर्स है। सो फिर बट हम लोग फिर भी वियर्ड स्नैक्स कुछ कुछ उठा के लेके आए ताकि हम लोग ट्राई करें उनका फ्लेवर कैसा है। सो अगर आप लोगों को आगे देखना है नेक्स्ट वीडियो में और वियर्ड फ्लेवर्स हम लोग ट्राई करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो देर ना करते हैं, पहले आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो स्नैक्स हम लोग ट्राई करने वाले हैं, हम लोग उसको कैसे रेटिंग करेंगे। हम लोग उसको रेटिंग करेंगे दिस, दिस और दिस। सो तीन तरीके से हम लोग उसको रेटिंग करेंगे। सो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इजी वाले फ्लेवर से। नहीं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वियर्ड वाले फ्लेवर से। तो हम लोग एक काम करते हैं, चिड़िया और नहीं स्टोन पेपर सीजर हम लोग। हाँ, क्या बोलते हैं, स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। मेरे को आता नहीं है, पर ठीक है, इतना पता है ऐसे करने का, ऐसे करने का। देखो, अगर ऐसे पेपर आया और मैंने सीजर की तो मैं जीत गया, ठीक है। अगर तुमने स्टोन किया, मैंने सीजर की, तो मैं हार गया। अगर तुमने स्टोन किया और मैंने पेपर किया, तो फिर से मैं जीत गया, ठीक है। ऐसा अभी सबसे पहला स्नैक बबीता ट्राई करने वाली जो है वो। बट ये थोड़ा सा यहाँ का फ्लेवर है, सियोल का फ्लेवर है, किमची सियोल। किमची, जो लोग कोरियन के ड्रामा देखते हैं उनको पता रहेगा किमची क्या होता है। किमची एक सैलेड होता है, तो उसका फ्लेवर है किमची फ्लेवर। ये क्रीम एंड ऑनियन है जो ब्लू कलर के, अपने इंडिया में ब्लू कलर का मसाले, हाँ, मैजिक मसाला मिलता है। और ये हम लोग ने खा लिया थोड़ा सा पहले, ये चीज फ्लेवर है। तो तुम सबसे पहले ये वाला ट्राई करो, किमची वाला, किमची वाला खोलो और ट्राई करो। नॉर्मल वेफर ही दिख रहा है, ये वेफर मिलता नहीं है फास्टिंग के लिए खाते हैं, ऐसे ही नॉर्मल ही आ रहा है, कोई किमची वाला नहीं लग रहा है। ट्राई करो, खा के देखो। मीठा है, पर ठीक है, खा सकते हो। ओके ओके, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। मीठा है, जिनको मीठा पसंद है वो लोग खा सकते हैं। ना थोड़ा मीठा मेरे को अच्छा लगा। ठीक ठीक है, अभी हम लोग ट्राई करते ही है। टमेटो स्नैक्स ये हम लोग ने पहले भी खा चुके हैं, काफी अच्छा है, हम लोग को तो अच्छा लगा। व्हील्स होता है उसमें ही, वैसा ही है। इंडिया में ग्रीन कलर का पैकेट आता है व्हील्स का, व्हील्स का वैसा ही शेप है। हम लोग ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, टमेटो फ्लेवर में। ओके ओके, गुड बैड, अच्छा 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 नॉर्मल है, मतलब ज्यादा फ्लेवर्स नहीं है। इंडिया में स्नैक्स में बहुत ज्यादा फ्लेवर्स होते हैं, इसमें एकदम माइल्ड से फ्लेवर। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम इंडियंस को कितना स्पाइसी फूड खाने का होता है, पर इनमें इतना स्पाइसी नहीं रहता, ठीक ठीक स्पाइसी रहता है। ओके ओके, अभी क्या ट्राई करें? तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं किटकैट। किटकैट 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 है, ये कौन सी फ्लेवर है? ग्रीन टी फ्लेवर है, ग्रीन कलर का किटकैट है और इस पे लिखा है ग्रीन टी फ्लेवर। यहाँ पे ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत फेमस है, यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है हमारे इंडिया में। ये पूरा ग्रीन ही है, ये अंदर से ग्रीन है। थोड़ा सा ही लेते हैं, मैं थोड़ा सा ही लूंगा।
कैसा स्मेल आ रहा है अजीब सा ग्रीन टी का, खाने का ही मन नहीं कर रहा। खा खा ग्रीन टी जैसा लग रहा है। ओके मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। किटकैट हम लोग ने खाया है, काफी मीठा रहता है और मीठा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ये क्रंची और कुछ कड़वा सा फ्लेवर नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट अजीब सा है और बाद में वो उसका टेस्ट आफ्टर टेस्ट कड़वा आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं, ट्राई करते हैं ड्रिंक। ड्रिंक कौन सी ड्रिंक ट्राई करें सबसे पहले? दस आ गया, फैंटा ट्राई करते हैं क्योंकि फैंटा भी मिलता है। फैंटा में यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, हम लोग ने अभी दो ही लाए। सोडा केम पता नहीं क्या फ्लेवर है इसका, इसका नाम इसके ऊपर ऑरेंज बनाना बना हुआ है, पता नहीं क्या ऑरेंज और बनाना। हाँ ऑरेंज है बनाना है और कौन सा तो फ्रूट है पता नहीं। ये तो मेरे को ब्लू वाला एक फ्लेवर है फैंटा का, ब्लूबेरी है ये तो। ब्लूबेरी लिखा हुआ, ब्लूबेरी फ्लेवर लिखा हुआ है इधर, लिखा हुआ इधर इधर देखो इधर लिखा हुआ है। तो ये क्रीम सोडा है, ये क्रीम सोडा फ्लेवर है। चलो छोटे छोटे शॉट्स इसमें ट्राई करेंगे। ये ग्रीन कलर का है, काफी फिजी है, स्मेल भी काफी अच्छा आ रहा है। इसका तो दवाई जैसा स्मेल है। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। बड़ा मीठा, बड़ा मीठा है। ये ठीक है, बहुत मीठा, बहुत बनाना फ्लेवर वैसे भी मेरे को पसंद है। ये ट्राई करते हैं। ब्लू कलर का, ग्रीन में ग्रीन कलर कैसा लग रहा है स्मेल का? अरे दवाई जैसा लग रहा है। स्मेल ये अच्छा, ये ब्लूबेरी वाला फ्लेवर अच्छा, ब्लूबेरी चिंगम जैसा टेस्ट आ रहा है इसका। हाँ, ना बड़ा स्वीट है ये, ब्लूबेरी अच्छा है। फैंटा का ये ग्रीन वाला नहीं अच्छा, इसमें यहाँ इंडिया में तो ऑरेंज कलर का ही ऑरेंज कलर का मिलता है। ये सब फ्लेवर यहीं पे हैं वियतनाम में। अच्छा है, कैसा ब्लू वाला रेटिंग? ब्लू वाला ब्लू अच्छा वाला है और ग्रीन वाला, ग्रीन वाला मेरे को तो मेरे लिए ठीक है जैसा फ्लेवर है इसका। तो अभी हम लोग क्रीम एंड ऑनियन ट्राई करते हैं। लेस का क्रीम एंड ऑनियन इंडिया में भी मिलता है पर वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के पैन में मिलता है, उधर अच्छा मिलता है। अभी यहाँ का आई डोंट नो, ये भी वेफर जैसा ही है पर इंडिया में तो लाइंस होते बने हुए, इसमें पूरा प्लेन है। नहीं वो अंकल जितने होते लाइन, अरे नहीं लेस में लाइन होते हैं। अच्छा इंडिया वाला क्रीम एंड ऑनियन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा माइल्ड है पर वैसा ही टेस्ट है, पर माइल्ड है। अच्छा रेटिंग गुड, अच्छा तो है क्रीम एंड ऑनियन, मेरे को पसंद है क्रीम। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी खाया हुआ है, लेस का ही फ्लेवर है, ये पसंद है मेरे को। ये वाला हम लोगों ने पैकेट देख के लिया है, डोरेमोन वाला। कोई बड़ा पसंद मुछो, कोई मुछो, कोई मुछो, कोई मुछो, स्नैक बाप, कोई मुछो, जिंजर एंड कोरिएंडर इधर बने हुए हैं इधर कॉर्नर में। ये इधर का ही स्नैक्स है क्या फिर इसके लिए इंग्लिश में है, लेस में इंग्लिश पे लिखा हुआ था और वियतनाम में। कुरकुरी जैसा है, स्मेल कुरकुरी जैसा नहीं, अजीब सही है। मुझे लगा डोरेमोन और ही होंगे। अच्छा मेरे को नहीं अच्छा लगा। अच्छा अच्छा पूरा गार्लिक का टेस्ट आ रहा है, गार्लिक एंड कोरिएंडर बना हुआ है। सिंपल सा लगा, पूरा गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगा मेरे को, मैं वापस लेता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा उसको, ड्रिंक ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कौन सी ड्रिंक ट्राई करें? ये वेकअप द कॉफी
इनोवेटर। यहाँ पे ब्लैक कॉफी के बहुत सारी वैरायटीज है और सो नेक्स्ट वीक हम ट्राई करने वाले हैं वेकअप ब्लैक कॉफी। इधर लिखा रहेगा हाँ ब्लैक कॉफी है द कॉफी इनोवेटर। काफी कड़वी रहने वाली मेरे ख्याल से। मेरे को तो अच्छी लगती है ब्लैक कॉफी और यहाँ की कॉफी का टेस्ट मुझे कॉफी जिनको कॉफी पसंद है उनको यहाँ पे अच्छा लगेगा। ये डल गई कॉफी का स्मेल डार्क कॉफी है ये फीजी है नहीं। हाँ, फीजी है वो बोतल को बंद करने की। चेयर्स फिजी है सोडे जैसी। ये ब्लैक कॉफी नहीं है मीठी है सोडे जैसी। मीठी है कॉफी का इतना टेस्ट नहीं आ रहा पर अच्छी है। नहीं मैं ठीक ठाक है ओके ओके नॉट सो गुड नॉट सो बैड। जिनको कॉफी पसंद है और फिजी चीजें पसंद है उनके लिए अच्छी है। काफी स्वीट है। ये है 6 विटामिन समुराई सिक्स विटामिन ड्रिंक है। ये भी स्वीट ही रहेगी। मुझे लगा था ये ब्लैक कॉफी ये रेड बुल जैसा स्मेल कर रहा है एनर्जी ड्रिंक है ना। हाँ विटामिन है इसमें विटामिन ड्रिंक रेड बुल जैसा स्मेल कर रहा है सेम टू सेम। चेयर्स चेयर्स रेड बुल जैसा रेड बुल है। मेरे को रेडबुल पसंद नहीं है। मेरे को रेडबुल पसंद है सो मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मेरे को रेडबुल पसंद है अजीब सा रिव्यू है और एनर्जी ड्रिंक है सो रेडबुल के मुकाबले तो हम लोग ने मेरे से 8 VND का खरीदा था इट मींस इंडिया के हिसाब से 24 का है सो रेडबुल के हिसाब से तो काफी सस्ती है सस्ती है अगर उसके जैसा ही काम करती है। सारी चीजें वही रेंज में है इधर के हिसाब से 8,000-9,000 VND है तो इंडिया के हिसाब से कितना हुआ 24-25-30 के हिसाब से ड्रिंक्स है और ये वाले स्नैक्स ये लेस महंगे महंगे यहाँ पे 22 VND है मतलब इंडिया के हिसाब से 50-52 समथिंग है 60 हाँ 64 समथिंग 64-70 का तो ये लेस मिलते हैं लेस महंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं ये मैं कब से देख रहा हूँ काफी वियर्ड सा लग रहा है कारामुचो। ये कौन सा था कारामुचो था क्या कारामुचो ये कोई मुचो था ये कारामुचो है सारे इसमें कौन मुचो 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 इसमें कोई कार्टून है कुछ तो ये देखो इसमें और कार्टून है अजीब ये ग्रीन क्या है इसका कार्टून है सीवीड फ्लेवर है क्या ये कौन सा फ्लेवर है सीवीड फ्लेवर है सीवीड इधर के लोग पसंद करते हैं सीवीड मतलब जो सुशी में रैप होता है ना ग्रीन कलर का वो अच्छा है। लेट्स ट्राई अच्छा स्मेल असली जैसा स्मेल आ रहा है कुछ तो अजीब सा आधा ट्राई करके देखते हैं सबसे पहले रिस्क नहीं लेंगे। अरे खाओ पूरा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पेट खराब होगा। पूरे पैकेट में स्मेल बड़ा स्ट्रॉन्ग है सिंगल है उसमें इतना नहीं है तो नॉर्मल वेपर जैसा फीका जैसे हम लोग फास्टिंग के लिए यूज करते आलू के चिप्स वैसे टेस्ट आ रहा इसमें है फ्लेवर सीवीड थोड़ा बाद में काफी बाद में आता है सीवीड का फ्लेवर है ना। सो ये वाला मेरे लिए इतना खास नहीं है मतलब ऐसे ट्राई किया है फिर नेक्स्ट टाइम तो कभी खाऊंगा नहीं मैं ये नहीं खा सकते मतलब थोड़ा क्रीम एंड ऑनियन सिमिलर है पर इसका थोड़ा अलग सा फ्लेवर है। अभी हम लोग ट्राई करते हैं ये टॉक टिकटॉक वापिस आ गया ये टॉक टिकटॉक वापिस आ गया वो कौन सा 50-50 बिस्किट नहीं आ गए 50-50 बिस्किट जैसे ही चीज डाल के रखा है सो खोल के देखो सब वियतनामी में लिखा है तो मुश्किल है पढ़ना बहुत ज्यादा काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। पैकेजिंग काफी अच्छा है जिसमें आधे टूटे हुए टूट गए पता नहीं कैसे
इसमें कोई चीज डाला ही नहीं है पैकेट पे। अरे बट चीज फ्लेवर है वो सिर्फ। तो पैकेट पे ऐसे क्यों दिखा है कि उसके अंदर चीज रखी है? कितने छोटे छोटे से बिस्किट है। प्यारे बिस्किट है, क्यूट है, स्मेल भी अच्छा है। जिन लोग ने बाइट्स खाए, बाइट्स पता है छोटे छोटे सेम टेस्ट है। तुमने खाए बाइट्स? टेस्टी है, ये टेस्टी है। जिन्होंने बाइट्स खाए उनको पता है कोई चीज फ्लेवर मेरे को तो आ नहीं रहा है, वो बाइट्स जैसे लगता है। काफी माइनस है, एकदम माइल्ड चीज फ्लेवर है। तो ये वाला है, ये कलर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर कलर है, लीची कलर है, मोगू 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 है ये। मोगू यहाँ पे ये मोगू मोगू बहुत फेमस है यहाँ के लोगों को क्या बच्चों को पसंद है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत मोगू मोगू वाले ड्रिंक्स यहाँ के बच्चों को पसंद है। और इसका कलर तो देखो कितना प्यारा है, लीची फ्लेवर है ना, सो पिंक कलर का वो है इसके अंदर ड्रिंक, बट इसमें लीचीज भी डाली हुई है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो है छोटी छोटी सी लीची इसमें तोड़ तोड़ के डाली हुई। थोड़ा पास में लेके जाओ ना तो पता चलेगा। दिख रहा है आपको? हाँ, आई थिंक सो, व्हाइट कलर का, तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी लीची डाली हुई। सो इसको ओपन करते हैं। लीची का तो स्ट्रॉन्ग, मेरे को लीची इतना पसंद नहीं है। मेरे को लीची अच्छी लगती है। अच्छा, ज्यादा स्वीट नहीं है, बहुत माइल्ड, बहुत अच्छा लीची है इसके अंदर। खा रहे मुझे अच्छा है। एक ये पीस, वन टू थ्री। ओके, हम लोग ट्राई करते हैं ये बड़ा वाला। अन तो ये कंपनी का नाम है, ये राइस केक है। अरे हाँ, ये अलग कंपनीज के भी थे। अन मीन्स यहाँ के हिसाब से अन बोलते हैं, जैसे किसी चीज को हम लोग बोलते हैं खाओ खाओ, तो ये लोग बोलते हैं अन, मतलब खाओ। इसका पैकेट दिखाओ कितना क्यूट ये बना हुआ है। हाँ, ये राइस केक है। राइस केक में बहुत सारे, मैंने आई थिंक एक या दो बार खाया है ये, बट मेरे को इसका टेस्ट याद नहीं है। इसमें ये राइस से बना हुआ है और उसमें क्या बोलते हैं उसको यार, इसमें भी फ्लेवर्स होते हैं, चीज वाला मीठा है, होता है और कौन सा होता है फ्लेवर नहीं खुला। ओ इसमें भी पैकेट्स है, पैकेट के अंदर पैकेट, गिफ्ट के अंदर गिफ्ट, दो एक में दो है। एक तुम्हारा एक मेरा। चीयर्स। ये मीठा लग रहा है, इसके ऊपर शुगर का, शुगर की लेयर है, मीठा है ये, दिखेगा कि नहीं पता नहीं, मीठा मीठा। इतना क्रंची है। अरे बहुत ज्यादा टेस्ट है, बहुत काफी टेस्ट है, क्रंची है, इतना क्रिस्पी है। बहुत अच्छा है, ये ट्राई करना चाहिए कभी इधर आओगे तुम, जरूर ट्राई करना। ये वाला बहुत टेस्टी है, मीठा वाला, ये वाला टेस्टी है, ये वाला टेस्टी है। पर अभी तक सारे मीठे ही फ्लेवर्स आए, तो अभी तीखा वाला ट्राई करते हैं। ये तीखा लग रहा है, इधर बना है तीखा, हरी मिर्ची, मिर्ची, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची, मिर्ची बनी हुई है, पोटैटो बना हुआ है, मिर्ची, मिर्ची, इसका नाम है कारामुचो। ये कारामुचो सब में है, ये कोई मुचो है, ये कारामुचो, ये कारामुचो है, मतलब ये सेमी कंपनी का है, कारामुचो कारामुचो। ये सी बीट फ्लेवर था, वो स्पाइसी फ्लेवर है, थोड़ा आलू बने हुए उसके ऊपर लाल मिर्ची बनी है, स्पाइसी लग रहा है। कितने डिफरेंट है पैकेजिंग, कलर डिफरेंट है, पैकेजिंग सेम ही है, नहीं देखो कितना अलग है। ये अभी लेस का देखो, लेस का एक ही सिंबल है, अच्छा अच्छे से बना हुआ सारा। मुझे दिखाओ, स्पाइसी से तो कुछ आ नहीं रहा है, माइल्ड सा स्मेल आ रहा है स्पाइसी से, कुछ स्पाइसी में तो है, काफी रेड है ना अभी तक, रेड है पर लग नहीं रहा इतना स्पाइसी। इतना मीठा खा लिया अभी तक, चलो ट्राई।
ओके ओके। स्पाइसी इतना ज्यादा नहीं है ना। एक इसके जैसा टेस्ट करा पता, वो बालाजी वेफर है ना, इंडिया में मिलते हैं बालाजी वेफर उसके जैसा एकदम थोड़ा सा स्पाइसी, जब लास्ट में खत्म होने लगता है तब हल्का सा एकदम स्पाइसी आता है, पर खा सकते हैं इसको, अच्छा है। जिनको स्पाइसी खाना है वो लोग नहीं खा सकते, जिनको ठीक ओके ओके स्पाइसी चाहिए वो खा सकते। तो मेरे लिए तो ये मतलब स्पाइसी नहीं है, फ्लेवर के हिसाब से जो उन्होंने लिखा है स्पाइसी उसके हिसाब से डराया ज्यादा है। यहाँ पे कौन सी भी चीज आपको इतना स्पाइसी नहीं मिलेगी जितना इंडिया में मिलता है, तो ये वाली स्पाइसी लिखा तो है पर खाने के लिए अच्छी है, फ्लेवर के पैकेजिंग के ऊपर जो लिखा है उसके हिसाब से ओके। तो अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं छोटू कौन सा छोटू फेंटा ये कितना क्यूट है देखो, पिज्जा बना हुआ है, ये है गमी कैंडी लिखी हुई है, पिज्जा बना हुआ कितना क्यूट है। तो पहले पिज्जा वाला ट्राई करते हैं फिर उसके बाद ये सोडा ट्राई, पिज्जा वाला ट्राई करते हैं, सोडा कैंडी ये इतना प्यारा है, पैकेजिंग यहाँ के लोग बहुत सही बनाए हुए हैं। ये गमी कैंडी है, अरे कितना सॉफ्ट है, एक कैंडी है गमी कैंडी देखो स्ट्रेच हो रहा है। चुई है ना, चुई है, बच्चों के लिए ठीक है, हाँ बच्चों के लिए ठीक है, अच्छी है जिनको है ये सब चीजों का शौक, हाँ जिनको कैंडीज का शौक है उनके लिए खा सकते हैं, गमी कैंडी बड़ी अच्छी है, दिखने में तो बहुत बढ़िया, दिखने में बढ़िया खाने में भी अच्छी है यार, और बैठ तुम खाते नहीं हो ना कैंडी, मैं पर तो कैंडीज का शौक नहीं है, तो जो लोग खाते हैं उनके लिए अच्छी है। बहुत मीठी हो गई फैंटा, ये कैसे खोलते है, इतना क्यूट है, सारी पैकेजिंग क्यूट है, इधर पैकेजिंग ये पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, पैकेजिंग के मामले में इनको 10 में से 10 टेस्ट। ये देखो कैसा खुलता है, इधर बना हुआ है छोटा शट जैसे ओपन करते हैं ना, वाव कड़वा, बच्चों लोगों के लिए बच्चे लोगों के लिए अच्छा, अरे टेस्ट ऑरेंज का बट अलग अलग फ्लेवर है, ये क्या लिखा है मेरे पास है पीच, नहीं, ये क्या लिखा है ऊपर, फर्स्ट टी प्लस, मुझे लगता है ये भी फीजी होगा, ऑब्वियस ही बात है अंदर कुछ है, ये पैशन फ्रूट और चिया सीड्स है, मेरे पास पीच टी और चिया सीड्स है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं तुम्हारे पास भी चिया सीड्स वाला है, सीड्स है अंदर उसके, देखो सीड्स है उसके अंदर, ये पैशन फ्रूट है इसके अंदर सीड्स है, चिया सीड्स किसी पर दिखेगा कि नहीं, चिया सीड्स और अभी ज्यादा बढ़िया आते हैं चिया सीड्स, अच्छा जूस जैसा, ओके ओके इसका स्मेल बहुत मीठा, खा लिया ना इसका स्मेल का, दवाई जैसा पीच टी है ये पैशन फ्रूट, दोनों में सेम क्यों लाया अपन ने, दूसरा फ्लेवर लाना चाहिए, ये तो अच्छी लगी मेरे, माइल्ड है ठीक है, मीठा खा के ना हमारा मुंह भी ऐसा हो गया, मीठा ही खाए ये ट्राई करता, ये तो अच्छी लगी, अजीब सा ही टेस्ट है, फीका था, ग्रीन टी जैसा ही टेस्ट आया, नहीं ग्रीन टी बहुत डिफरेंट होती है, मेरे को नहीं पसंद ज्यादा ये टी,
दूसरा ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी, ये वाला जो पहले इसने ट्राई किया, पैशन फ्रूट और चिया सीड्स। चिया सीड्स तो मेरे को आए नहीं, दोनों में भी नहीं आए चिया सीड्स। दोनों का टेस्ट मतलब सिमिलर जैसा है कुछ। तो मेरे लिए तो ये वाला येलो वाला फ्लेवर रसना, क्योंकि मेरे को पसंद है। तुम्हारे पिंक वाला मेरे लिए येलो वाला और दोनों पिंक मेरे वाला मेरे को इतना खास अच्छे नहीं लगे। ओके सो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं डोरामोन। डोरामोन पैनकेक, डोरा पैनकेक, डोरा केक बोलते हैं। कितना प्यारा पैकेजिंग है, मेरे को ये पैकेट अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। ये महंगा है थोड़ा। हाँ ये महंगा था, एक ही है शायद से इसमें। मिल्क फ्लेवर, मिल्क फ्लेवर, मिल्क फ्लेवर डोरा, कितना प्यारा लग रहा है। ये वाला और ये वाला सेम सेम भाई वही लग रहा है। लेमन पैनकेक कितना प्यारा है। ओपन करो फटाफट, ट्राई करते हैं। दो है, उनको पसंद है ना डोरेमोन को, डोरामोन, डोरेमोन को। इसके अंदर क्रीम भी है, काफी क्रंची है, बड़ी मीठी है क्रीम। बिस्किट ही है, कोई पैनकेक वैनकेक नहीं है, बिस्किट है। बहुत मीठा है, बच्चों के लिए ठीक है, हम लोग नहीं खा सकते, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मीठा मीठा हो गया, तो अभी और तीखा खाते हैं। ये यहाँ पे मिर्ची बनी हुई है और ये टूनीज, टूनीज हम लोग ने चीज वाला खाया है। ये टूनीज इससे मेरे चीज वाला फ्लेवर ट्राई किया, स्पाइसी फ्लेवर है, इस पे मिर्ची बनी हुई है, मिर्ची बनी हुई है, देखते मिर्ची इस पे भी बनी हुई थी। यहाँ पे वाला कमाल नहीं किया उसने, यहाँ पे कौन से भी स्नैक्स पे मिर्ची बनी रहेगी उसका मतलब वो मीठा ही होने वाला है। इसको देखते हैं कैसा है, तुमसे ना हो पाए कोई ऐसा स्मेल तो ऐसा आ नहीं रहा है। ठीक है क्या है इसमें, कुरकुरे, कुरकुरे वाओ, इसके ऊपर बने हुए हैं कुरकुरे भी ना। ये कैसा देखो कैसा छड़ी देता है, हैरी पॉटर टेढ़ा है, ये मेरा है उसका। मीठा मीठा मतलब ऐसा नहीं है खा नहीं सकते, खा सकते पर मीठा, इतना मीठा नहीं, हल्का हल्का तो मीठा लग रहा है पर मीठा है। बाकी सारे फ्लेवर्स में ना कैसे बताए, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। स्नैक्स में ना वेफर्स बनाई है आग वाग लगा के पर मीठा, ये दोनों हल्के ठीक है। ओके ओके नोट सो दैट, खा सकते हो ये, खा सकते हैं, अच्छा लगा मेरे को पर मीठा नहीं। नेक्स्ट 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 अभी ये स्नैक, ये खाते, ये भुजिया है, ए, इसके ऊपर बेकन बने हुए हैं। हाँ इधर लिखा हुआ है बिस्किट स्टिक। अरे भाई ये कौन सी लैंग्वेज है, ये इधर का नहीं है स्नैक, वियतनाम का नहीं है, ये थाईलैंड का लग रहा है मेरे को, नहीं है ये कौन सा स्नैक है, ये थाईलैंड का लग रहा है मेरे को, ये जापानीज क्वालिटी है, जापान वाला स्नैक्स है ये, कोई कारा मुचो कोई मुचो जापानीज स्नैक्स है, इसलिए वो जापानीज कार्टून बने हुए हैं। तो अभी ये स्नैक्स ट्राई करते हैं, स्मेल करो, स्मेल से तो मेरे को इतना खास नहीं लग रहा, फीका फीका सा ही लग रहा है, फिशी स्मेल आ रहा है, फिश का, मैं एक दूसरा ही ट्राई करूँ, मैं भी, मैं रिस्क नहीं ले रही, थोड़ा फिशी लग रहा है, ये भुजिया जैसा बना तो हुआ है पर उधर लिखा है स्नैक्स बिस्किट, बिस्किट स्नैक्स, बिल्कुल नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए पूरा पूरा डाउन, एकदम बेकार ना? No. तो कुछ मीठा ही खाते हैं, तो लास्ट हमारे पास यही है ना, बाकी सब क्या है ये, एप्पल ड्रिंक, सब खा लिया, सब खा लिया, आई होप सो ये अच्छा हो, अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से, एप्पल ड्रिंक है ये ना, एप्पल जैसा हो सकता है, एप्पल जैसा है शायद से, देखो फीस तो है इसके अंदर, ये ऐसा नहीं लग रहा है
क्या हो? कौन सा ऑयल रहता है? सरसों का तेल। सरसों ये सरसों के तेल के जैसा बॉटल के जैसा लग रहा है। ऐसे अपने इंडिया में आती कच्ची घनी शुद्ध सरसों तेल। सरसों तेल बॉटल का पैकेजिंग बकवास। सो ये हमारी लास्ट बहुत लास्ट चीज है। कैसे खुल रहा है? प्रे करो ये अच्छी हो खाने में। निकल गया। बाकी सब तो खाने में नहीं पीने में। सॉरी पीने में। लिक्विड एपी फीज जैसा स्मेल है पूरा। एपी जैसा स्मेल है। टेस्ट भी सेम है पर बहुत पानी। एपी थोड़ा ज्यादा फ्लेवरफुल है, उसमें फ्लेवर ज्यादा आता है एप्पल का, बट इसमें ज्यादा लिक्विड पानी टाइप का लग रहा है। और इसका पैकेजिंग का क्वालिटी ओके 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 मेरे लिए ठीक है। जिनको एप्पी फीज पसंद है पसंद है, मेरे लिए ओके ओके। जिनको यहाँ पे तो एप्पी फीज, मेरे को एप्पी फीज इतना पसंद नहीं है पर ये लाइट है तो मैं पी सकती हूँ। तो हमारे सारे स्नैक्स हो गए फिनिश। सो अगर मैं बताऊँ तो मेरे को तो ठीक ठीक लगे, ज्यादा बढ़िया नहीं। कुछ कुछ स्नैक्स थे जो के इंडिया जैसा टेस्ट कर रहे थे बट कुछ कुछ ओके ओके थे। मोस्टली तो सब मीठे मीठे थे, मूंग का टेस्ट एकदम मीठा मीठा सा हो गया। तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे हैं स्नैक्स? मेरे को तो सब कुछ मीठा लग गया, सब कुछ। मेरे को ये वाला अच्छा लगा, तीखा वाला थोड़ा सा। ये बिस्किट अच्छा लगा, बिस्किट खा सकते। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ये मैं हमेशा खरीदूंगी और हमेशा खाऊंगी। और बाकी मेरे को ना फेंटा अच्छा लगा, फेंटा का फ्लेवर, फेंटा का ब्लूबेरी फ्लेवर अच्छा था। ब्लूबेरी अच्छा है पर मेरे को फ्रूटी वाले ज्यादा पसंद नहीं आते। और बाकी मेरे को इतना देखने जाए तो लेस सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है जो दो फ्लेवर हम लोगों ने ट्राई किया। अगर किसी को ट्राई लेस में एक और फ्लेवर आता है सुशी फ्लेवर है। सुशी फ्लेवर आता है बट ग्रीन मीट वैसा ही फ्लेवर वैसा ही टेस्ट करेगा पता नहीं। ग्रीन मीट ये पर लेस सेफेस्ट है क्योंकि लेस पता है अपने को कैसा होता है। तो किमची फ्लेवर तो कुछ लगा ही इतना कुछ खास नहीं लगा। ये आप चीज फ्लेवर ट्राई कर सकते हो, ये तो बेस्ट लगा। ये क्रीम एंड ऑनियन तो इंडिया में भी मिलता है तो इतना कुछ ये नहीं है। ये टमाटो वाला भी बीन्स वाला खा सकते हैं तो हमारे हिसाब से तो खा सकते हैं। हम लोग ने अभी 1.5 साल में ज्यादा स्नैक्स ट्राई नहीं किए थे, हम लोग ने सिर्फ लेस खाए थे। अभी नए 2-3 ऐड हो गए, हम लोग ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो कैसा लगा सब लोग को आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वीडियो आगे पहुंचे, ज्यादा लोग देख सके और वो लोग एंटरटेन भी हो सके। तो और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट हम लोग को मतलब और भी वियर्ड फ्लेवर्स है यहाँ पे स्नैक्स में। तो नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वियर्ड से वियर्ड फ्लेवर ट्राई करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सत श्री अकाल।